these are the information about me. My name is Habib Khan. I am Provincial Management Service Officer. These are the other information about me. My email address and WhatsApp number are also given. You can contact me on this email address or WhatsApp number. ठीक है, तो budget release policy के जो है वो दो installment में होता है. फर्स्ट रिलीज़ जो है 1 जुलाई को ड्यू होता है, लेकिन नॉर्मली ये 10 to 15 तक ये हो जाता है, जबकि दूसरा रिलीज़ ड्यू हो जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर अगले कैलेंडर ईयर के 1 जनवरी को, लेकिन वो 1 जनवरी को नॉर्मली नहीं होता और बाज़ दफ़ा फरवरी मार्च और अप्रैल तक ये डेट एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी बजट एलोकेट करता है जिस ऑब्जेक्ट के तहत, तो ये दो इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ होता है. ठीक है, फर्स्ट रिलीज़ ऑन 1 जुलाई, सेकेंड रिलीज़ इज़ ड्यू ऑन 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर. ठीक है, करंट बजट की रिलीज़ के मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सैलरी की मद में 100% एलोकेटेड बजट को वो रिलीज़ करते हैं, क्योंकि सैलरी तो हमने वैसे भी देनी होती है. ठीक है, ऑनरेरिया कुछ डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऐसे हैं जो ऑनरेरिया लेते हैं, जैसे कि गवर्नर सेक्रेटेरिएट हो गया, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रोविंशियल असम्बली, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पीएनडी डिपार्टमेंट वाले भी ऑनरेरिया लेते हैं बजट मेकिंग के लिए, क्योंकि ये जब बजट बनाते हैं तो ये काफ़ी लेट सेटिंग करते हैं, इस वजह से इनको भी ऑनरेरिया दिया जाता है. ये ऑनरेरिया की मद में तमाम डिपार्टमेंट को बजट एलोकेट होता है जिन डिपार्टमेंट का मैंने जिक्र किया, लेकिन वो फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज़ नहीं करता, बल्कि ये केस टू केस बेसिस पे रिलीज़ होता है. ठीक है, यूटिलिटी के मद में यानी इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, पेट्रोल वगैरह की मद में भी 100% रिलीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है ऑन 1 जुलाई. ठीक है, और इसके अलावा जो दीगर ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ करता है, 1 जुलाई को 50% करता है और फिर अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 जनवरी को ड्यू होता है. लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चूँकि रिसोर्स की कंस्ट्रेंट होती है, तो इस वजह से ये अक्सर फरवरी मार्च और अप्रैल तक ये डेट एक्सटेंड होता है जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का है. ठीक है, MTI जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इनको जो बजट रिलीज़ होता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में होता है. 1st इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होता है ऑन 1 जुलाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, और फिर जो 2nd इंस्टॉलमेंट है वो 1 अक्टूबर को रिलीज़ होता है, और फिर जो 3rd इंस्टॉलमेंट है वो 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर रिलीज़ होता है, और 4th इंस्टॉलमेंट फिर 1 अप्रैल को होता है. लेकिन इट इज़ सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिस तरह हमने बताया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोविंशियल असम्बली से बजट जो अप्रूव करती है वो ग्रांट वाइज होती है, यानी हर डिपार्टमेंट को एक ग्रांट नंबर दिया गया है. ठीक है, जैसा कि प्रोविंशियल असम्बली का ग्रांट नंबर 1 है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रांट नंबर 2 है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ग्रांट नंबर 3 है, पीएनडी डिपार्टमेंट का ग्रांट नंबर 4 एंड सो ऑन. तो हर ग्रांट में फाइनेंस डिपार्टमेंट दीगर बजट के अलावा एक ऑब्जेक्ट रखता है लमसम, और इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट रखा जाता है. ये अगर किसी डिपार्टमेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट में एलोकेटेड बजट से एडिशनल बजट की ज़रूरत पड़े तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फिर उसी ग्रांट में जो लमसम अमाउंट होता है उसी से फाइनेंस डिपार्टमेंट री अप्रोप्रिएशन करके उस ऑब्जेक्ट में फ़ंड ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, तो लमसम हर ग्रांट का जो लमसम अमाउंट होता है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पे होता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर नीड उसमें से री अप्रोप्रिएशन के थ्रू मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में उसी डिपार्टमेंट की ज़रूरियात को पूरा करता है. ठीक है, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इसमें जो ऑनगोइंग इन अप्रूव्ड स्कीम है इनके लिए 50% रिलीज़ किया जाता है ऑन 1 जुलाई, और जो 2nd इंस्टॉलमेंट है 50% का वो 1 जनवरी को ड्यू होता है. इसके अलावा जो न्यू अप्रूव्ड स्कीम है इनके लिए भी 50% रिलीज़ किया जाता है ऑन 1 जुलाई, एंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ड्यू ऑन 1 जुलाई ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर. ठीक है, जो ड्यू फॉर कंप्लीशन स्कीम है जिसको DFC कहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी है कि इनके लिए 100% एलोकेशन करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कीम अप्रूव हो ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो.
ठीक है। और मेडिसन्स, चूँकि ये बुनियादी ज़रूरियात में से है हॉस्पिटल्स के लिए, और हॉस्पिटल मेडिसिन की बल्क में परचेज़ करते हैं, तो इस वजह से मेडिसिन के लिए भी 100% रिलीज़ किया जाता है ऑन 1 जुलाई, ठीक है, ताकि मेडिसिन की अनइंटरप्टेड सप्लाई जारी रहे मुख्तलिफ हेल्थ यूनिट्स को, ठीक है। सिविल वर्क यानी कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी हॉस्पिटल वगैरह तमीर करना या रोड वगैरह तमीर करना, तो इसके लिए भी केस टू केस बेसिस पर रिलीज़ होता है, ठीक है।